खाबरखेड़ा बिजली केंद्र में काम करने वाले ठेका श्रमिक संतोष वानखेड़े की 20 वर्षीय बेटी अदिति संतोष वानखेड़े का 4 मई को तुम जिधर हो यह गाना रिलीज हुआ है। खाबरखेड़ा तथा सावने तहसील में अदिति के गाने व अभिनय की प्रशंसा हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार अदिति को बचपन से ही डांस और एक्टिंग की रुचि है, पर अदिति का बचपन से ही एयर होस्टेस बनने का सपना था। मगर अदिति के पिता संतोष वानखेड़े यह खाबरखेड़ा बिजली केंद्र में ठेका श्रमिक के तौर पर कार्यरत है और आर्थिक रूप से सक्षम न होने से अदिति को अपने सपने को सपनाए रखना पड़ा। मगर अदिति ने अपनी डांस एक्टिंग की रुचि को जारी रख इंस्टाग्राम अकाउंट पर डांस एक्टिंग रील्स के शेयर करती रही और आज अदिति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5161 फॉलोअर्स है। इसी को ध्यान में रखकर अदिति को गाने के लिए ऑफर किया गया और इस गाने की शूटिंग वर्षा यहाँ की गई जो 4 मई को रिलीज हुआ। मुली साठी भरपूर काही करायचं होतं पण आर्थिक परिस्थितीमुळे तेवढं करू शकलो नाही, कारण जो आम्हाला जी सॅलरी मिळते त्याच्यामध्ये फक्त गुजारच होते आणि तिचं तर माझी इच्छा होती तिला चांगलं एज्युकेशन द्यायचं आणि चांगल्या फील्डमध्ये पाठवायचं, पण तेवढं मी करू शकलो नाही। तिनं जे केलं ते अभिमानास्पद आहे, जास्त डिफॉल्टर त्याच्यामुळे थोडंसं माणूस दबते। आता एवढी खुशी होत आहे की जे तिनं केलं एकदम आमच्या एकदम गर्व आहे, खूप अभिमान वाटत आहे तिच्याबद्दल। तुमचा BCNचा मी आभारी आहे आणि तिला जास्तीत जास्त सर्वांनी सपोर्ट करावा ही माझी विनंती। सो मेरा नाम अदिति वानखेड़े आहे। तो स्टोरी ये है कि मतलब मुझे पहले से हॉबी थी, मुझे इस फील्ड में जाना है करके, और मेरी डांस सबसे पहले मैं अपने डांस को रखती हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा कभी। तो मेरे इंस्टाग्राम की वजह से मेरे अच्छे से अच्छे फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, 5K हैं। और फिर एक मेरा फ्रेंड है, फिर उसने मुझे कॉल किया, वो बोला कि तुझे तो मतलब तुझे एक्टिंग का शौक है। तो फिर हाँ, मैंने बोला हाँ मुझे है, मुझे इंटरेस्ट भी है, पर मेरे घर वाले मानेंगे नहीं इस बात के लिए। वो रहता है ना कि पापा बोलते हैं कि डर लगता है थोड़ा, तो वो बोल रहे थे कि मतलब उसने बोला कि अदिति तू कर, तेरे लिए गोल्डन चांस है ये, तू कर सकती है। मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार घर में पूछ लेती हूँ फिर तेरे को बताती हूँ। फिर मैंने पापा को पूछा तो पापा बोले नहीं फ्रॉड है, ऐसा है, हमको पता नहीं कि कौन है वो। तो फिर मैंने उसको डायरेक्टली नहीं बोल दिया। फिर उसका फिर से कॉल आया, एक महीने बाद मुझे उसका कॉल आया कि अदिति तू कर, तुझसे हो पाएगा। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसा ऐसा है कि पापा को बोलो पुश करो थोड़ा। फिर मम्मी ने पुश किया पापा को, फिर पापा भी बोले ठीक है कर लें। मतलब उनको भी डर लग रहा था कि भेजने के समय कुछ लगता है ना, उनको डर लग रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं अपने भाई को लेके गई फिर वहाँ पे। हमको भी डर लग रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, कैसा होगा वहाँ पे, कैसे सब, हम किसी को पहचानते नहीं थे वहाँ पे। तो फिर वो वहाँ का एक प्रोड्यूसर है प्रतीक लाड़े सर और फैजल भैया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ऐसा अदिति ऐसा कुछ नहीं है, तू आराम से अपने भैया समझ के हमारे साथ काम कर। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे। फिर मतलब फिर सॉन्ग की डेट पहले नौ थी। फिर वो लोग बोल रहे थे कि फिर 14, 15, 16 ऐसे ऐसे डेट बढ़ के मुझे लगा कि ये फ्रॉड तो नहीं है। फिर मुझे फैमिली वाले पूछ रहे थे कि अरे ये फ्रॉड तो नहीं है, तू वहाँ पे गई, ऐसा हुआ, कब आने वाली है। फिर एक डेट आई, फिर मतलब प्रोमो टीज़र था वो प्रोमोट हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं अब ये हो सकता है। फिर सॉन्ग का आया, फिर एक डेढ़ महीने बाद मुझे लग रहा था, डर भी लग रहा था और सबको कैसा, सब पूछ रहे थे मुझे कि तू वहाँ पे गई, इतना काम किया, फिर तूने सबको बताया, इंस्टाग्राम पे डाली स्टोरी ऐसा वैसा। फिर मुझे डर लग रहा था, हाँ मजाक जैसा बनाया गया। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे कि अभी तक नहीं आया, फिर मैं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी उनको, रिस्पॉन्स दिया ही नहीं मैंने। फिर टीज़र आया, फिर टीज़र के बाद उनको पता चला कि नहीं है अभी है। फिर मुझे भी शांति मिली और मेरे घर वाले भी हैप्पी हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हुए वो। मुझे भी ऐसा है कि मुझे भी कुछ करना है मेरे फैमिली के लिए। आप ही देख ही सकते हो हमारा घर ऐसे, मतलब हम ऐसे घर में रह रहे हैं अभी। मुझे मेरा यही ड्रीम है कि मैं अपने बलबूते पर अपने पापा मम्मी पापा के लिए घर ले सो, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए घर ले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आजकल लड़कियाँ ही सब कुछ करती है, लड़कियाँ ही आगे जा रही है।
और मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि तू लड़की है, तू ऐसा है, तू मत कर। मेरे घर में ऐसा है कि नहीं, तुझे जाना है आगे, तू जा अपने मन से कर। हमारे घर में तो भेदभाव बिल्कुल नहीं करते, सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते घर में सब छन मतलब मेरी मासी है, मेरी मासी सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट। मेरे पापा मेरे लिए मतलब कुछ भी मैंने जो बोला मुझे कभी कमी नहीं किया। मेरे पापा ने कुछ तो भी एडजस्ट करके घर में मुझे भेजा वहाँ पे। मतलब पैसे की प्रॉब्लम रहती है घर पे, तो पापा बोले ठीक है मैं करता हूँ, तू जा। मम्मी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे पीछे, और मेरा भाई। और मम्मी क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी हाउसवाइफ ही है। नहीं, मैंने मतलब छोड़ ही दिया था, मुझे लगा था कि नहीं मतलब अपने घर के इतने हैं नहीं कर पाएंगे इतना सारा। तो मेरा एजुकेशन मतलब मैं फर्स्ट ईयर ही पढ़ी हूँ, मैंने ड्रॉप लिया है घर के वजह से, कुछ परिस्थिति की वजह से मैंने ड्रॉप लिया था, क्योंकि मुझे एयर होस्टेस करना था, वो ड्रीम है मेरा वाला एयर होस्टेस। NBC News के लिए खापरखेड़ा से मयूर तिरपुड़ी की खास रिपोर्ट।